और ये रही भाई नाई की दुकान, अगर आप लोग कहते हो ना भाई नाई की दुकान कहाँ पर है, तो ये इस्लामी बम्बई स्वीट्स, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हो सोन हलवा सबसे ज्यादा फेमस है हमारे अजमेर का। गाइस फाइनली आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि आज 8 जनवरी है, और आज 8 जनवरी का क्या माहौल है। और गाइस आज यहाँ पर रिमझिम रिमझिम बर्फ़ की बूंदें गिर रही है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ की बूंदें, ओस की बारिश हो रही है, बारिश भी नहीं ओस की बारिश, क्या बात है। सुबह से सूरज नहीं निकला है आज यहाँ पर माशाल्लाह। तो आज आप लोगों को बताऊँगा सस्ता और अच्छा खाना कहाँ मिलता है, यहाँ की फेमस सिरमाल और मिठाइयाँ कहाँ पर मिलता है, पूरा मार्केट कहाँ लगता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान, और आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज हो रही है मतलब कॉल्ड क्या कह सकते हैं इसको यार, शबनम 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 बरस रही है, मतलब रहमत की शबनम, शबनम रहमत मतलब अजमेर में हो रही है, क्या बोलते हैं ये ओस वाली बारिश हो रही है, मतलब ओस पड़ रही है और ओस के साथ साथ छोटी सी बारिश हो रही है जो कि आपको हल्की हल्की मालूम नहीं पड़ेगा। ये देखो रोड भीगी हुई है और मैं भी थोड़ा सा भीगा हुआ हूँ, जो कि मैं लगूंगा नहीं कि मैं भीगा हुआ हूँ, बाल से थोड़ा मालूम पड़ जाएगा जरूर। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ गाइस कि अभी मैं आज का ब्लॉग मेरे यही है कि मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ का नज़ारा दिखाने जाता हूँ पास से, कि कैसा माहौल है और क्या लग रहा है वहाँ का मंजर। और गाइस कई बार आप लोग कमेंट करके मुझसे कहते हैं कि भाई अजमेर शरीफ और ये तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ ज़ारीन कि मैं एक मॉडल टाइप का लड़का हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा धार्मिक टाइप का कम हूँ, पर हाँ ये कि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं कितनी नमाजें पढ़ता हूँ, कितना क्या करता हूँ। बाकी मुझे बाल इसलिए मैं रखता हूँ बड़ा क्योंकि मैं मॉडल हूँ, मैं मॉडलिंग करता हूँ इस वजह से। तो प्लीज़ कृपया करके जो भी मेरे बालों के लिए कमेंट मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। बाकी मैंने आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें बदली हैं, जैसे कि मैं कुर्ता पजामा पहनने लग गया हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ या दरगाहों में जाता हूँ टोपी पहनता हूँ, बट यार कुर्ते बालों के लिए मत कहो तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं सोबरा जनरल के पास में हूँ, और यहाँ पर हो चुकी है बूंदा बांदी, जो कि इस वक्त सबसे कोल्ड बारिश, आप ये देख सकते हो ओस वाली बारिश हो रही है अजमेर शरीफ में। और मैं आप लोगों को माहौल दिखाने जाता हूँ दरगाह बाजार का मेन गेट के पास का, कोल्ड बारिश, ये हमारी होटल, ये रहा कोल्ड बारिश। तो गाइस दिल्ली गेट में पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर हो रही है कोल्ड बारिश, जो कि यहाँ पे मतलब कह सकते हो आप लोग इसको कि ओस की बारिश, क्या बात है। और हमारे साथ हमारे कुछ सब्सक्राइबर आए हुए, कहाँ से भाई? रावेर से, महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से आए हुए, क्या बात है, भुसावल साइड से। कैसा लग रहा है अजमेर आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है भाई, देख सकते हो यहाँ पे बारिश हो रही है, वो भी कोल्ड बारिश हो रही है, ये बूंदा बांदी है, मतलब कह सकते हैं ओस वाली बारिश, जिसमें मालूम नहीं पड़ा कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही है। तो भीगते और भिगाते और कैमरा घुमाते और आपको नज़ारे दिखाते हैं। वाव देख सकते हैं अजमेर शहर का बहुत खूबसूरत प्यारा सा नज़ारा। तो ये देखिए हमारे अजमेर शरीफ का नज़ारा, शाम के बज चुकी है समथिंग 6:25, कोई हमारे सब्सक्राइबर साथ में हमारे आए हुए हैं, तो उन्हीं के साथ में आप लोगों को ये नज़ारा दिखाने ले जा रहा हूँ अजमेर शरीफ दरगाह के करीब मेन गेट का। तो 6:30 तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, रात के 8 बजे बाद लॉकडाउन होता है, जो कि शाम के 7 बजे से लॉकडाउन लगना शुरू हो जाता है। तो बाकी ये ठंडी बूंदा बांदी मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई अजमेर शहर की गलियाँ, ये रौनक है, बहुत दिन से आप लोगों ने देखने के लिए वो बेताब होंगे कि भाई कैसा हो गया माहौल। तुम्हारा भाई यही काम करता है कि अजमेर जैसे आ जाता हूँ मैं आप लोगों को ये माहौल दिखा देता हूँ। और जाहिर सी बात है कई लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते कि आप, तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मैं कोई और काम करने लग जाऊँगा तो ये आपको माहौल कौन दिखाएगा और ये अजमेर की जो रौनक है, ये गलियाँ हैं, कौन दिखाएगा आप लोगों को, क्या बात है माशाल्लाह। ये रौनक की ये गलियाँ मतलब देखते ही बनती है, और जब ये छोटी छोटी टकराती हुई गुम्मद खदरा से, क्या बात है, मतलब अच्छा लगता है यार। अजमेर शरीफ की गलियाँ तो भाई यहाँ की गलियाँ तो रहमत बरसती इस गलियों में, नूरानी मंदिर रहता है और ऐसी जब चहल पहल रहती तो माशाल्लाह। जी जी कल अंदर जाने, अरे अरे कोई बात नहीं भाई, बस थोड़ा लेट हो जाता हूँ पर आता जरूर हूँ।
मैं मना नहीं करता किसी के लिए। आगरा जा रहे हैं जी, आगरा जा रहे हैं, क्या बात है, खुला हुआ है आगरा, कोई दिक्कत वाली बात? लाल किले की उसकी वीडियो बताए ना। ये देखिए दरगाह का मेन गेट धुंध में छाया हुआ, और कितना प्यारा मंजर लगता हुआ माशाल्लाह। गरीब नवाज सरकार ऐसी रौनक है, ऐसी चौखट गरीब नवाज सरकार की आवाज ऐसी रहती। ये देखो कायनात है, टूटे माल पर उदय रुको। तो ये देख सकते हो माहौल कैसा है। ये देखो कश्मीरी भाई लोग भी आ चुके हैं, काफी जने लोग आ चुके हैं बाहर से माशाल्लाह, काफी पब्लिक आई हुई है और सब गरीब नवाज सरकार की चौखट पर आए हुए हैं। कोई एमपी से, कोई यूपी से, किधर से हो? अरे ना, अरे तो आज 8 जनवरी है, और 8 जनवरी का आपको माहौल दिखा रहा हूँ यहाँ का। ये देखो कितना प्यारा माशाल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है 8 जनवरी का। और गाइस जैसे कि अक्सर मैं बोलता हूँ आप लोगों को भाई, कि अगर आप लोगों को अपने शहर पे मुझे बुलाना है तो आप लोग बुला करके मुझे अपने शहर का वीडियो शूट करवा सकते हैं। पर गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेवजह कॉल मत किया करो, क्योंकि मेरे को बहुत कॉल आते हैं, दिन भर में 100 से ज़्यादा तो कॉल ही आ जाते हैं आप लोगों की। मैं कभी कभी कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम से बात करना चाहता है तो मैं उसको रिप्लाई नहीं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की कॉल बहुत आते हैं, मैंने जैसे कि नंबर डाल रखा है कि भाई अगर आप लोगों को अपने शहर पर मुझे बुलाना है तो आप लोग मुझे बुला सकते हो। पर आप लोगों को क्या होता है कि कॉल ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब दिन भर में 100 से ज़्यादा कॉल आ जाते हैं, और आप लोग बेवजह भी कॉल करते हैं, जैसे कि पूछते हैं कि भाई कैसे हो, सब खैरियत? वो तो यार आप कमेंट में भी और मैसेज में भी बोल सकते हो। ऐसे में क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहेगा तो मैं इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाता उसको, तो इसलिए कि अगर काम हो आपको, ज़रूरत है मेरे से बहुत ज़्यादा, कोई ज़रूरी बात करनी है तो ही कॉल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ की रौनक है, हमेशा ऐसी रौनक, सलाम अलैकुम, ऐसे ही रौनक रहती है माशाल्लाह। और जब मैं यहाँ गेट के पास आता हूँ तो यहाँ आना नहीं भूलता। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा मुझसे मिलना चाहता है तो यहाँ पर आ सकते हो, बिस्मिल्लाह साई सिरमाल, ये अपने भाई की दुकान है, आप इनको बोल दीजिएगा ये फ़ोन लगा लेंगे और मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने। और सब मज़े में, कैसा चल रहा है अपना व्यापार अभी? क्या बात है माशाल्लाह, यहाँ आपको साई सिरमाल के साथ बहुत सारी सिरमालें मिलेंगी, जैसे कि मैं अक्सर बताता था। ये थोड़ा सा नया यूनिक दिख रहा है मुझे, तिल बादाम, क्या बात है, कितने रुपए प्लेट ये है पूरा? एक 50 रुपए का तिल बादाम, 50 रुपए का ये वाला, 70 रुपए, ये 100 रुपए का काजू बादाम पिस्ता, भाई सिरमाल का ये नॉर्मल वाला कितने का है? 40 रुपए का। और एक चीज इनके बता देता हूँ, जो भी बंदा यहाँ पे आता ना उनको टेस्ट करा के बेचते है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जाएंगे ना भाई, ये देखिए माशाल्लाह रौनक के गरीब नवाज, ये अनस झोपड़े का रास्ता, और ये रहा हमारे नाला बाजार का रास्ता, चलते चलते आप लोगों को दिखाते जाते हैं। जो रौनक की वही रौनक वापस हुई, रौनक के लौटी हुई है माशाल्लाह। ये मार्केट है पूरा, जो पब्लिक मुझे कमेंट करके कह रही थी यहाँ की मार्केट, तो जो बंदा कमेंट करके कहता है इस, तो भाई मिठाइयाँ कहाँ पे मिलेगी, दुकानें कहाँ पर है अजमेर शरीफ में, तो ये रही भाई सारी मिठाइयों की दुकान, वो रही टोपी की दुकान, और ये रहा इस्लामी बम्बई स्वीट्स, क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हो सोन हलवा सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे अजमेर का, यहाँ आपको आपको सोन हलवा के साथ साथ मिठाई पेठा आगरे का फेमस, यहाँ पे टोपियाँ, क्या बात है भैया, और तो कल गाजी, क्या बात है, क्या बात है। ये रहा 3 नंबर गेट का रास्ता, और यहाँ पे आपको हाथ के ब्रेसलेट मिल जाएंगे, और ये रहा पूरा स्वीट मार्केट, यहाँ पर पूरा आपको मिठाई मिलेगा, साथ में खाना भी मिलेगा, सस्ता और अच्छा खाना अगर कोई खाना चाह रहा है तो सस्ता और अच्छा खाना भी आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये रही खाने के होटल, यहाँ पर सस्ती और अच्छी खाने की होटल, मिठाई की दुकान, और ये देखिए सारी स्वीट की दुकान है, आप देख सकते हो। कमेंट करके कहता है भाई कि हमारे को हजामत की दुकान बताओ कहाँ पर है, तो भाई ये रही बाजू में हजामत की दुकान, बहुत पुरानी दुकान लग रही है आपकी, तो
क्या बात है माशाल्लाह, सारी पुरानी चीजें देसी और पुरानी दुकान है। हाँ हाँ पानी बता से, क्या बात है। तो ये देखिए पूरे मीट स्वीट की दुकान है, ये रही दूध की दुकान, भाई सबसे ज्यादा फेमस है भाई, लग रहा है ऐसा यहाँ पे दूध पीने आई है, क्या बात है। और ये रही कायनात रेस्टोरेंट, सबसे ज्यादा खाने में ये देख सकते हो, क्या बात है माशाल्लाह। ये सारी खाने के होटल है, ये रहा 3 नंबर गेट, आज शाम को ही आज हाँ जी रात ये देखो 3 नंबर गेट है, अब हम यहीं से एंट्री लेंगे। ये देखिए भाई शाम के बज चुकी है 18:45 और यहाँ पे धुंध है और बारिश है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो, सब खैरियत? अल्लाह का करम है भाई साहब। ये हमारे चाचा है, जूते चप्पल यहीं जमा कराते हैं मात्र 5 रुपए में। सही है सही है भाई, आपकी जूते चप्पल की सुरक्षा हो जाती है। और ये दरगाह शरीफ का नज़ारा आप दिखाते हैं। और गाइस उरुस की अपडेट आने वाली, तो उरुस के मैंने एक पहले वीडियो डाल रखी कि उरुस कब स्टार्ट होगा, तो उरुस की वीडियो के बारे में जानना है, उरुस का पूरा अपडेट जानना है कि उरुस कब स्टार्ट होगा, कैसे उरुस मनाया जाएगा इस बार, तो सारा वीडियो का अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो, रेड कलर का बेल आइकन है उसको दबा दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप लोगों को पहले से पहले मेरी वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, भाइयों तक, और वीडियो को कंटिन्यू देखना, पूरा देखना ताकि समझ में आएगा। और गाइस मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। लोगों ने कैमरे के लिए तो हेल्प नहीं करा, पर कोई बात नहीं, पर 1 लाख सब्सक्राइबर तो करवा ही सकते हो। ये देखिए भाई हमारे अजमेर शरीफ में हो रही है रहमत की छोटी छोटी बूंदा बांदी, ये गरीब नवाज सरकार की चौखट का मंजर है माशाल्लाह। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कितना प्यारा कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने शहर पे मेरे से ऐसी खूबसूरत सी वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप लोग दिए गए स्क्रीन के नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपके शहर पे आकर के ऐसी खूबसूरत प्यारी सी वीडियो बनाऊँगा। और दूसरी बात गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ तो दिए गए स्क्रीन पे जो मेरा नाम है मिस्टर खान अजमेर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो मेरे को आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पल पल की जानकारी मालूम पड़ती रहेगी कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि मैं कभी अजमेर होता हूँ तो कभी किसी और शहर में होता हूँ, अभी 10-15 दिन बाद कहीं और होऊंगा, इस वजह से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और बस मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। और बस जो लोग अजमेर शरीफ नहीं आ पाते तो मैं ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि अजमेर शरीफ के नज़ारा देख पाए। ये देखिए भाई माशाल्लाह क्या करम मंजर है अजमेर शरीफ का, ये मस्जिद, और इतनी ठंडी बारिश में भी पब्लिक आकर के दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रही है। कैसा लग रहा है अजमेर आके, क्या बात है माशाल्लाह। ये गरीब नवाज सरकार की चौखटी है, हमेशा आबाद रहती है, खुश आबाद रहती है। दुआ पढ़ रहे हैं। जो फकीर
फकीर को कहे बादशाह, मेरा बादशाह वो हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। दीदार अपनी बात करो, दीदार अपनी बात करो, ये देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर है। और यहाँ पे कोहरा ऐसा गिर रहा है कि पैर बिल्कुल ठंडे हो गए बर्फ की तरह। गरीब नवाज सरकार की चौखट ही ऐसी है कि यहाँ पर अक्सर सब भूल जाते हैं लोग, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो चाहे बर्फ़ हो। यहाँ पे बर्फ़ की बूंदें गिर रही है, जैसे बर्फ़ गिरती है वैसे यहाँ बर्फ़ की बूंदें गिर रही है। क्या बात है माशाल्लाह, इसको क्या कह सकते हैं, बर्फ की बूंदे शबनम कहते हैं। हाँ हाँ, क्या बात है माशाल्लाह। हाँ वही तो, ये बहुत प्यारा मंजर लगता है भाई, दरबारी ऐसा है। चलो भाई, धुआं उड़ने वाला फोटो। हाँ वो धुआं उड़ता ना तो अच्छा लगता। आ जाओ, ये देखिए भाई, गरीब नवाज सरकार की चौखट का मंजर माशाल्लाह, कितना प्यारा कितना खूबसूरत, हमेशा आबाद रहने वाला मंजर। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है, माहौल के साथ साथ मैं बताने आया हूँ, खादिम साहब से पूछेंगे कि हाँ नमाज क्यों पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, पांचों वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो आज इसी के बारे में जानूंगा मैं, खादिम साहब से पूछेंगे जा करके कि भाई मुस्लिम लोग नमाज पांचों वक्त की क्यों पढ़ते हैं। किसी और धर्म के लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था, बरसती गुम्बद की तकरार। एक चीज़ और तुमसे पूछना था कि जो हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको लंगर पीना गरीब नवाज सरकार का, तो कितने बजे, कितने बजे शाम को, कितने बजे सुबह, कितने बजे आऊँ? 4:30 बजे शाम में। हाँ, और सुबह 6:15 बजे। सुबह 6:15 बजे, 6:15 बजे, 6:15 मिनट में है। क्या बात है, सुबह नमाज के बाद चालू हो जाता है लंगर। हाँ, के अजान के टाइम शाम को। क्या बात है माशाल्लाह, दिन में दो बार बढ़ता है, दिन में दो। अच्छा, एक मीठा लंगर भी होता है और नमक वाला भी होता है, दो तरीके के लंगर होता है। तो मीठा वाला कब का बनता है? मीठा वाला जो जहरीन बनवाते हैं तो बनता है। अच्छा, नमकीन ही चलता है, ज्यादा नमकीन ही चलता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।